50 साल हो गए हैं और आज स्टेज पर जाने की कैसे फीलिंग है, परफॉर्म करने वाले हैं आप यहाँ पर? षणमुखानंद हॉल में मैंने शुरू किया था 1974 साल में, 1974 में मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था इसी हॉल में, 74 बार 73 में भूल गया था याद नहीं। उसके बाद इतने शोज किए मैंने, मैं पिताजी के साथ पहले तो बहुत किया, आज जो फीलिंग हो रहा है अलग फीलिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तो कैसे बीत गया वक्त, कैसे चला गया, और इट वेंट लाइक अ साइक्लोन। 50 साल मैंने इनसे नहीं कहा था कि मेरा शो करो 50 साल के बाद, आई एम द लास्ट पर्सन टू डू, बट इन्होंने मुझे इज्जत दी, सबने पीपल्स आर्ट सबने कहा कि नहीं होना चाहिए ऐसा। 50 साल की जर्नी जो है काफ़ी लंबी रही, तो कैसी थी जर्नी, कुछ बताना चाहेंगे अगर दो लाइन में बताना? बहुत अच्छी रही। मैंने सबके साथ, मेरा सौभाग्य है, मैंने सब अच्छे अच्छे संगीतकारों के साथ काम किया, मैंने उस वक्त के लेके आज की पीढ़ियों के साथ भी काम किया मैंने, और सबने मेरे साथ दिया, सबने मुझे सपोर्ट किया, और जो भी मेरे में थोड़ा बहुत कला है उन्होंने समझा मुझे, उन्होंने मुझे कितने अच्छे अच्छे गाने दिए, हिट गाने दिए जो आज भी बजते हैं। तो आज तक आई एम बीइंग टॉलरेटेड, इससे बड़ी बात क्या है, मुझे आज भी पूछते हैं मेरे एक बहुत बड़े दोस्त है, इतने बड़े किंग ऑफ कॉमेडियन बाजू में बैठे हुए हैं, जॉनी लीवर जी, इनसे पूछिए, इनके साथ में मैंने बहुत शोज किए, हमने कितने काम किए। जॉनी सर क्या कहना चाहेंगे अमित सर के बारे में, क्योंकि 50 साल हो गए और आप यहाँ पर आए परफॉर्म करने के लिए उनके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इसलिए कि अमित कुमार जी के साथ, मैं कल्याण जी आनंद जी भाई के साथ इतने शोज किए हमने इकट्ठे, बहुत शोज किए, फिर पहली बार 1980 में इनके साथ मैंने कलकत्ता में शो किया, ये अमित कुमार शो मुझे ले गए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, और वो जीनियस फनकार किशोर कुमार, इतने वर्सटाइल ऐसे कलाकार सदियों में पैदा होते हैं, उनसे इन्होंने मुलाकात करा, बोले बाबा को सुनो ये करता है, तो ये मेरी खुश नसीबी है, आप सोच सकते हैं कि मैं, मुझे कितनी खुशी हो रही है शो में आकर। 50 साल हो गए हैं, तो कोई ऐसी ऐसा समय जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपके मेमोरी में जहन में रह गया हो इतने साल की जर्नी? इनको जब अवार्ड मिला था और याद आ रही लव स्टोरी गाने जी, तो बंगले पे बहुत ज़बरदस्त पार्टी हुई थी, उन्होंने उसमें सारे म्यूजिक डायरेक्टर सम कल्याण जी आने जी भाई साथ गए थे वहाँ, वो एक यादगार पार्टी थी, सब आए थे, सब आ जाए, आपने मिमिक्री भी किया था? जी बिल्कुल, बंगले पे, आई स्टिल रिमेम्बर 1982। अमित सर स्टेज पर जाने से पहले दो लाइन ऑडियंस के लिए हो जाए? ऑडियंस के लिए गाना जी, गाना में देखिए, मैं खुद का एक धुन जो मेरे खुद का क्या वो समा देता हूँ जी, जी। दिल का मेरे हाल तुम न पूछो, दिल का मेरे हाल तुम न पूछो, धड़कता है अब तक दिल क्या ही कम है सोचो, धड़कता है अब तक दिल क्या ये कम है सोचो, तिनका हूँ मैं और ये जहाँ है सागर, डुबाया गया फिर भी डूबा नहीं हूँ, डुबाया गया फिर भी डूबा नहीं हूँ। नमस्कार। और this is the only organization who celebrate Kerala and Tamil Nadu Formation Day in November. Chhatrapati Shivaji Maharaj Awards March महीने में दिए जाएंगे, उसका भी बहुत बड़ा function होगा. This is all about People's Arts Center. आज जिनकी शान में आज की ये program की शुरुआत होने वाली है,
उन्हें हम सबसे पहले नहीं बुला रहे, लेकिन आप सभी अमित जी को अच्छी तरह से जानते हैं। आज से एग्जैक्टली 50 साल पहले जब उनकी उम्र तकरीबन 13-14 साल थी, उन्होंने जिंदगी में पहली बार माइक देखा, गाया। और जी ऑल द वे फ्रॉम पुणे। देखा आपने क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, गांगुली फैमिली वाकई जिंदाबाद जिंदाबाद, हमेशा याद रहेंगे, वो यादगार रहेगा। और ये आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, ये कि मैं दादा मुनि जी मिल चुका हूँ और किशोरदास से पहली बार 1982 में मेरे ख्याल अमित जी ने मुझे मिलाया। अमित कुमार उत्तर अवार्ड से कम नहीं है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात। दादा मुनि एन अशोक कुमार जी, जब भी पहली बार उनके साथ मैंने काम उनके साथ किया, एक पिक्चर में हमला में थोड़ा सा काम किया, उसके पहले जलवा में मैंने उनकी नकल की थी, बड़ा सुंदर हो गया था मैं फिल्म जलवा में, उसकी प्रीमियर थी तो उसमें मैं नहीं जा पाया, तो दादा मुनि पूछते लड़का कहाँ है, शानी लीवर कहाँ है। उसके एक 4-5 साल बाद हम लोग किसी शूटिंग में मिले, फिल्म हमला एन चंद्रा की फिल्म थी, शूट सेट पे आए, धर्म जी अनिल कपूर ये सब थे वहाँ पे सेट पे आए और मैं खड़ा था, तो मैंने नमस्ते किया, जॉनी लीवर बोला तू पहले नकल करके बता दे, नकल करके बता फिर मैं शॉट दूंगा, ये चंद्रा उसको बोल पहले डालो, मेरे को नकल करके बता, तो मैंने नकल करके बताया। ये दादा मुनि, एक बार मैं उनके बर्थडे पे गया था, 87th बर्थडे पे, मैंने ये कुछ करके बता दिया दादा मुनि, न जाने कहां आज मेरी नाम चली गए, चली गए चली गए मेरी नाम चली गए, अरे कोई कहे यहाँ चली, कोई कहे वहां चली, मैंने कहा पिया के काम चली रे, चली रे। इतने मूडी के किशोर का मूड खराब नहीं होना चाहिए था, आउट ऑफ इंडिया में फंक्शन था, किशोर कुमार नाइट वो रिहर्सल कर रहे थे, दादा किशोर दा अपने गाने कैसे भी गाते थे, कब क्या गाएंगे कैसे गाएंगे किसी को पता नहीं होता, तो रिहर्सल में वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमारे अनुपम खेर साहब नए नए स्टार थे, अनुपम खेर सौरांश फिल्म रिलीज हुई थी वो स्टार बन गए थे, लोग उनको देखना चाहते थे, तो वो एज ए गेस्ट स्टार शो में थे और रिहर्सल देखने वो भी आते, रिहर्सल में स्टेडियम में रिहर्सल करते, मैं भी रिहर्सल देखा, मैं किशोर का फैन हूँ, पहुंच गए किशोर का रिहर्सल दूर है ना, रिहर्सल कर रहे थे। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, ये जो गाना है उनको तो मालूम है, तो किशोर का प्रैक्टिस कर, अरे ये जो मोहब्बत है जो उनका है काम, अरे महबूब का जो सुन ज़्यादा बस लेते हुए नाम, अरे मर जाइए नाम रहने दो छोड़ो, अरे जाने तो यार हमला करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो, अरे चलो, अरे आखिर किसी से ना लग जाए मैं टकता हूँ यारो हंसी मुझसे अपने लगे रहते। अनुपम खेर बोले दादा ये गाना ऐसा नहीं है, दादा बोले क्या कहा बाबू, दादा ये गान में आपका बोबड़ा फैन हूं, मैं कॉलेज में गाता था, ये गाना ऐसा नहीं है।
कैसा है ये गाना? ऐसा है, ये जो मोहब्बत उदल गाना। अच्छा, ये गाना फिल्म में किसने गाया? बोले आपने गाया। अभी कौन गा रहा है? आप ही गा रहे हैं, तो आपके बाप क्या जा रहा है? पुराने गाने, नए गाने, जमाने में ओह गुलाम मोहम्मद साहब, रमशाद साहब, ओह जी रामचंद्र जी, जयदेव जी, एस जी पर्वत जी, राठी पर्वत जी, एल पी लक्ष्मीकांत परेरा, कल्याण जानी जी, ये लोग कहाँ हैं? मदन मोहन जी, ये लोग कहाँ हैं? क्या सिंगर थे, क्या होता था, क्या गाने होते, क्या पोएट्री होती थी, गाने क्या होते थे साहब? अरे क्या सिंगर थे, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश जी, लता जी, लता जी है, ये लोग वापस आ सकते हैं क्या? क्या गाने में साहब, क्या गाने में फिलोसफी होती थी? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ है? ये गाने किससे बन सकते हैं साहब? मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया, ये गाने बन सकते हैं? पोएट्री होती थी जो बात तुझ में है, तेरी तस्वीर में नहीं, रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी, सांसों की आंच जिस्म की खुशबू न ढल सकी, तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। ये सॉरी भाई, ये पोएट्री का है, ये पोएट्री का है, खत्म खत्म, इसे खत्म, इनको गाने आदमी अपने गानों को याद करके इतना रो रहा है। आज के बच्चे भी अपने गानों से प्यार करते हैं, 15-20 साल के जो बच्चे हैं ये भी अपने गानों से प्यार करते हैं। इनको देख के मुझे ऐसा लगा ये बच्चे भी कल अपने गानों को याद करके रोएंगे। 2060, 2070 उस वक्त गाने भी याद करके रोएंगे तो कैसे? देखिए, कहेंगे हमारे टाइम पे गाने होते थे, कोई गाने तो आप सोचिए 2070 में क्या गाने होंगे। हमारे गानों में पोएट्री होती थी, बात होती थी, गाने होते थे तन तना तन 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 तारा, चलती है क्या 9 से 12। देखो लोगों को 9 से 12 3 घंटे का टाइम देते थे, अभी तो 8.25 घंटे में सब खत्म हो जाते, ऐसे गाने होते थे। बात लुंगी डांस, 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 लुंगी डांस। हमारे जमाने में लुंगी तो थी, अभी तो रुमाल से काम चला रहे। हमारा टाइम क्या चलता? 12 महीने से 12 तरीके से तुझसे प्यार जताऊंगा रे। टिंकी चक्का, टिंकी चक्का, टिंकी चक्का, हे हे, टिंकी चक्का, टिंकी, टिंकी चक्का, टिंकी चक्का, I love you so, I miss you so। लेकिन जो गाने किशोर गाने गाए, गांगुली फैमिली से जो गाने दिए हैं, ये हमेशा याद रहे। ये वो घराना है जहां से हीरे मोती जुड़ते। सर मैं बुलाने जा रहा हूं आपके सामने उसी घराने के हीरे को, ग्रेट सिंगर, ग्रेट कंपोजर एंड ग्रेट ग्रेट परफॉर्मर अमित कुमार। जब पिल्ले साहब आए मेरे पास कि हमें ऐसा करना है, मैंने कहा क्यों कर रहे हो भाई, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, नहीं करना जरूरी है, ठीक है, लेकिन आपके जो चाहने वाले वो भी आना जरूरी है, तो वो मैं
दादाबोरी कहते थे कोशिश को कोकिश, मैंने कोकिश करूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरी कोशिश जो है सफल हुआ है, सब आए हैं, यू आर ऑल हियर, आई एम सो हैप्पी। प्यारेलाल जी, सुरेश भाटकर, सचिन पिलगांवकर जी, सुदेश भोसले जी, आई कैन सी और आई थिंक माय होल फैमिली इज हियर, और मेरे कजन्स भी हैं सब यहाँ पे, मुखर्जी दा देयर, आई कैन सी देवुदा हियर, वी आर हियर, गंगुली इज हियर, आई एम सो हैप्पी। हाँ, ऊपर वाले तो हैं। चलिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और गानों पे आ जाता हूँ, और सबसे पहले जो गीत मैं शुरू करूंगा, जिस गीत से मुझे एक क्या कहूँ मैं, थोड़ा सा मैं शायद पिताजी के छत्र छाया से थोड़ा सा निकल गया था, और उसके लिए मैं दाद देता हूँ एक ही संगीतकार को उस जमाने में जिन्होंने मेरे साथ दिया, और मैं उनका बहुत नकल करता था, उनको बोलते थे मेरा नकल कर तो मैं करता था, राहुल देव बर्मन। उन्होंने मुझे जो गाना दिया और जिस हीरो के लिए मैंने गाया वो सामने बैठे हुए, उस गाने से मेरा एक अलग आइडेंटिटी हुआ, और उस वक्त वो गाना वो गीत उतना पॉपुलर नहीं था, धीरे 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 आज 40 साल के बाद वो गाना इज बिकम हाउस होल्ड नेम। मुझे याद आ गया, आरडी बर्मन का चेहरा याद आ गया, सॉरी इमोशन, दादा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि मूड एकदम इमोशनल हो गया है। आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग ऑल दोज पीपल सिटिंग ओवर एंड वेरी स्पेशली सचिन जी, जिनके ऊपर आई थिंक एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट सबसे ज्यादा रोल फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी ने किया सचिन जी ने। सचिन जी आपको याद आ रहा है जब आपकी ये फिल्म रिलीज हुई और ये गाना, और दादा ये मत बोलिएगा कोई भुला है गाना, कोई नहीं भुला है, सबसे फेमस सीरियल मुंबई की आज जो चल रही है ना उसका भी नाम बड़े अच्छे लगता है, और आपके गाने तो कमाल है सर। सर आप, मैं नेटवर्क छोड़ के आ रहा हूँ, आपका गाना इन्होंने गाया सर, कुछ याद आ रहा है उस समय का कैसा लग रहा था? मेरा ख्याल है अमित और मैं दोनों 40 साल के बाद ज्यादा यंग हो गए हैं। उसका 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 एक सबब मैं कह सकता हूँ, और उसका सबूत ये है कि दिखने विकने की बात नहीं, मैं दिल की बात कह रहा हूँ, और वो बात ये है कि ये गाना गाते गाते अमित के दिल में जो कुछ भावना, जो एहसास गाना के आखिर में आया और जो एक याद आई, वो एक इमोशन जो आज तक ताजा है, आज तक जवान है, और यही वजह है कि 40 साल के बाद आज हम उस वक्त से ज्यादा जवान हैं और हमेशा रहेंगे और हमेशा। और क्या है, इन्होंने एक आदत डाल दी सब लोगों को ये कहने की, वो जब भी मुझे देखते हैं या इन्हें देखते हैं लोग बात बोल पड़ते हैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं, और ये 50 साल एक शुरुआत है, शुरुआत है एकदम, और वी विल मीट ऑन 75th 100 यस, और इसी के ये गाना गाते वक्त मुझे सामने बैठाना जरूरी है, यस, ताकि मैं वहां पे बैठ के जो है वो तालियां बजाता रहूं दिल से, सिर्फ हाथों से नहीं, नहीं वो सुनने वाले होंगे, अच्छा हम लोग नहीं होंगे, वेरी गुड, ऊपर वाले का कर्म है ना, करेक्ट, शाबाश, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड कांग्रेचुलेशंस, आरटीएस कांग्रेचुलेशंस टू यू, टू ऑल द म्यूजिशियंस एंड ऑल योर फैमिली, ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू, थैंक यू, यू रियली गिव मी करेज। इसके बाद जो गाना मैं आपके सामने पेश करूंगा, ये गीत में मुझे एक पुरस्कार दिया था, वो भी यही इसी ऑडिटोरियम में मुझे मिला था, मेरे पिताजी ने दिया था मुझे, और वो फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म का नाम था लव स्टोरी, और वो गीत याद आ रही है जो कि
आपके दोस्त प्यारे भाई आर डी बर्मन, उनको पसंद नहीं था। हाँ उनको पसंद नहीं था, उन्होंने मुझे फिल्म सेंटर में टेक से पहले, हम लोग इशारों से चलते थे, बातचीत चलते थे, टेक से पहले मुझे ऐसा बोला है। तो अंदर रूम होता हुआ करता था जहाँ पे सब चेस वेस खेलते थे सब ऐसे, तो वहाँ पे जाके दरवाजा बंद कर, दरवाजा कौन नहीं है, नहीं है खाना तुझे पसंद है अंदर कंडक्ट कर रहे हो। फिट हुआ और जब मुझे फिल्म फेयर पुरस्कार मिला मैंने फोन किया पंचम था, अब क्या हुआ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तू स्टार बन गया, ठीक है ओके, मुझे गाना भी पसंद नहीं है। अरे 30 दिन में 30 रिकॉर्डिंग किया मैंने उस जमाने में, तो पंचम दा को पता चला ही वॉज वेरी हैप्पी। तो मुझे एक दिन बुलाया उन्होंने, अरे तू हम बढ़ता है तो कौथा है तो छोड़ कौथा है कि क्या हुआ बजे, नहीं नहीं तो मैंने सुना तू अभी से डिमांड करने लगा है पैसा, मतलब नहीं नहीं मतलब कि तू क्या अपने आप को मोहम्मद रफी समझते है क्या, किशोर कुमार समझते है, मतलब क्या है, मतलब व्हाट यू थिंक यू आर यू, अभी तुमको अभी फ्री आना चाहिए, अभी तुम्हारा अभी जस्ट यू स्टार्टेड, तुम अभी डिमांड करना नहीं चाहिए तुमको, यू विल नेवर आस्क द प्रोड्यूसर, लेट द प्रोड्यूसर वे यू, यू क्या तुम पहले बनाओ अपना प्लेटफॉर्म बनाओ अभी, ठीक है मैं ऐसे करूँगा ओके ठीक है। अच्छा कल आ जाना रिहर्सल में, कल एक गाना है, 5 गाना है कुमार गौरव गाना, वेरी गुड, तो अपना टीम हो गया कुमार गौरव जी के साथ। मैं गया रिहर्सल किया और रिकॉर्डिंग भी हुई फिल्म की, उसके बाद मुझे प्रोड्यूसर ने, मैं पूछा नहीं पैसा नहीं मांगा मैंने, प्रोड्यूसर ने आके खुद दिया मुझे 2500 रुपये का चेक दिया, 2500 का चेक मिला मुझे, मैं पंचम दा हाँ बोल, 2500 का चेक मिला, अरे वाह देख योगी ने बात अपने बलबूते पर मिला ना, चलो वेरी गुड, ये बात हुई, जाओ बैंक में जाके जमाओ, मेरे बैंक में जाके जमाया चेक, दूसरे दिन चेक बाउंस हो गया। इसीलिए मुझे गाना याद है। मैंने फिर पंचम दा को बोला, पंचम दा चेक बाउंस हो गया, बोलो तो इंडस्ट्री का नियम है,